कोरोना मजीद 43 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 1232 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड। लाहौर का सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में अहम मुलाकात। तहरीके अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत। मुलाकात में दोनों जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। JUI के अकरम खान दुरानी और मौलाना असद महमूद भी आए। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो आज फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह वही करेंगे जो मुल्क के मफाद में होगा। चौधरी परवेज इलाही का दो टोक ऐलान। विफाकी वजीर सैफरान साहबजादा महबूब सुल्तान और MNA साहबजादा अमीर सुल्तान की स्पीकर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरतहाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सियासी अमल की वजह से सबके साथ राबते होते हैं। शेख रशीद ने इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा दे दिया। बोले, नून लीग 14 साल बाद काफ लीग से मिल सकती है। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। अपोजिशन अदम एतमाद का वोट ला कर भी फंसेगी, बाद में रोएगी कि फोन कॉल्स आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दो रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस जाएंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन से मुतालिक दस्तखत होंगे। इमरान खान रूस की जामे मस्जिद का भी दौरा करेंगे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। NCA ने शहबाज शरीफ के असासों और अनिल बसरत के ताल्लुकात का जायजा लिया। सलमान शहबाज और बरतानवी ताजर जुल्फिकार अहमद के माली मामलों को भी जेर गौर लाया गया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी मालूम करना चाहती थी कि जुल्फिकार अहमद ने शरीफ फैमिली की रकम ऑफशोर अकाउंट्स में तो नहीं रखी। टीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। आइन में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मुल्क में आज़ादी इजहार का कत्ल जमहूरियत को सबूताज करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजारों का मौकफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट PFUJ की दरख्वास्त पर समाप्त करेंगे। सिंध बार एसोसिएशन का भी अदालत जाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून का मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की भरपूर हिमायत का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है कि पीका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है। जुर्म की तारीफ किए बगैर ताजीर मुकर्रर कर दी गई। शेरी रहमान बोली कि पीका ऑर्डिनेंस में फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई। हुकूमत का कारोबार ऑर्डिनेंस पर ही चल रहा है। सिंध में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। 4वीं और 8वीं के इम्तहान 2 मई, मैट्रिक 17 मई और इंटर के 15 जून से होंगे। पंजाब में मैट्रिक और इंटर के इम्तहान पूरे कोर्स से लिए जाएंगे। साइंस के तलबा के प्रैक्टिकल्स भी होंगे। आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा। हुकूमत की नोट छापने की रफ्तार तेज़ हो गई। फरवरी के पहले दो हफ्तों के दौरान औसतन रोजाना 10 अरब रुपए से ज़ायद के नए नोट जारी किए गए। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक बारिशों की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कराची, सखर, हैदराबाद और गिरदोनहमा में गर्द आलूद हवाएं झक्कड़ चलने का इम्कान। अस्तोर्स, कर्दू, हुंजा में शदीद बर्फबारी होगी।